बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और साधना विधायक संगीत सोम देवबंद के भायला गांव में अपनी भांजू की रिंग सेरेमनी में पहुंचे थे, जहां पर पत्रकारों को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान सीएए पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जहां जहां भी सीएए के खिलाफ महिलाएं बैठी हैं, उनको कोई काम नहीं है और उनको विरोधी पार्टियों से फंडिंग मिल रही है। उस पैसे को वो वहां पर बैठकर खा रही हैं। इसके अलावा शर्जील इमाम पर उन्होंने कहा कि ऐसे आदमी को बीच चौराहे पर फांसी के फंदे पर लटकाकर उसको गोली मार देनी चाहिए जो आतंकवाद की बात करता हो। देखिए, जितनी महिलाएं बैठी हैं, इन्हें कोई कामधाम है नहीं और ये बिल्कुल फंडिंग ने राजनीतिक पार्टी फंडिंग कर रहे हैं, विदेशों से फंडिंग हो रही है, फंडिंग को पैसा यहाँ खा रहे हैं बैठ के। इन्हें ना सीए के बारे में जानकारी है और मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ कि इनकी जिस दिन जाँच होगी, चाहे दिल्ली हो, चाहे बरेली हो, चाहे देवबंद हो, चाहे लखनऊ हो, इन्हें ठीक से इनके खिलाफ मुकदमे होंगे और जेल भेजा जाएगा और भेजना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की अराजकता इन्होंने दिल्ली में पैदा की है, उस अराजकता को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शर्जील इमाम जैसे के बारे में अगर मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऐसे लोगों को जो देश का बंटवारा करने की बात करते हो, देश को तोड़ने की बात करते हो, चौराहे पर खड़ा करके फांसी के फंदे पर लटका कर गोली मार देनी चाहिए, किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जा रहा। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।